इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रविंद्र जी जैन बाहुबली भैया। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें कुछ बदलना चाहिए, हमें अपने नजरिए को बदलना चाहिए। होता यह है कि हम प्रयास करते हैं दुनिया को बदलने का, जबकि उसको बदलने से हमारा कुछ नहीं होगा। हमें प्रयास करना चाहिए अपने नज़रिए को बदलने का। आज कह रहे हैं कि भगवान ने सभी को दो एक सी ही आँखें दी हैं। आज की बहुत बढ़िया ग्रहण करने योग्य नीति है कि भगवान ने हम सबको एक सी दो आँखें दी हैं, मगर नज़रिया सबका एक सा नहीं है। अगर नज़रें और नज़रिया एक सा हो जाए तो मेरा मानना है कि भले ही अपन रहेंगे मनुष्य बनकर, लेकिन आनंद स्वर्गों में देवों जैसा आएगा, स्वर्गों के देवों जैसा आनंद आएगा, क्योंकि अपन नज़रिया नहीं बदलते। आज हर सामान्य व्यक्ति की एक ही नज़र है, सांवले को पसंद नहीं करेगा, गोरे को पसंद करेगा। कोई मोटे को पसंद करता है, कोई दुबले को, किसी को हम बाल वाले पसंद हैं, किसी को बिना बाल वाले। नजरिया देखना आप, इसको इंग्लिश में एटीट्यूड भी कहते हैं, जो एक आपका व्यू है किसी भी चीज को, किसी वस्तु को, व्यक्ति को देखने का नजरिया। तो नजरिया आपका अब वो वाला बचा नहीं है जो होना चाहिए। आज व्यक्ति का नजरिया पूर्ण रूप से विपरीत हो चुका है। अगर कोई एक सगा भाई अपनी सगी बहन को गाड़ी में कॉलेज छोड़ने जा रहा हो, तो आप उसके बारे में कभी ये नहीं सोचोगे कि ये भाई बहन है, कभी नहीं सोचोगे कि ये भाई बहन है, क्योंकि नजरिया बिगड़ चुका है, बदला नहीं है, बिगड़ चुका है। पहले हम वृक्षों में औषधि देखते थे, अब वृक्षों में सोफा सेट देखते हैं। पहले वृक्षों में छांव फल देखते थे, अब वृक्षों में हाथ को गर्म करने के लिए लकड़ी देखते हैं। कितना नजरिया बदल चुका है। हमें अपने नजरिए को संभालने की बहुत आवश्यकता है। किसी ने अच्छा किया या बुरा किया, ये उसका कर्म। हमें तो नजरिया देखना है कि हमें अच्छा करना है। कितने ही पैसे वाला क्यों ना हो, आखिरी में उसकी भी वही स्थिति होना है जो गरीब की होना है। फिर भी मेरा तो ये नजरिया है कि दुनिया में कोई अमीर है ही नहीं, सभी गरीब हैं। दुनिया में कोई अमीर नहीं है, सब गरीब हैं। क्यों? एक मंदिर के बाहर बैठ के मांग रहा है और एक मंदिर के अंदर बैठ के मांग रहा है, दोनों गरीब हैं। भगवान के पास आए तो मांगने आए। जिसको अपने भगवान पर विश्वास नहीं होता, जिसको भगवान पर विश्वास नहीं होता, वही भगवान से मांगने आता है। मैं तो कभी मांगने नहीं जाता, मैं तो हर बार मिलने जाता हूं। मांगने जाओगे तो उतना ही मिलता है, मांगने जाओगे तो उतना ही मिलेगा, और मिलने जाओगे तो भरपूर मिलेगा। प्रार्थना और पुकार और मांगना याचना, इनमें बहुत अंतर है। भगवान के पास गए हो, तुमने अगर कुछ मांगा है तो याचना है, तुमने अपनी पुकार की है वो प्रार्थना है। ये नजरिया बदलिए, ये नजरिया बदलिए, और जिस दिन से नजरिया बदलने लग जाएगा, सच मानना, धरती पर स्वर्गों जैसा आनंद आ जाएगा। इंग्लिश में कहते हैं वी ऑल हैव सेम टू आईज, वी ऑल हैव सेम टू आईज बट नोबडी हैज सेम व्यूज। व्यू सेम नहीं है। जो एग्जाम में फेल हो गया उसको तालाब
आत्महत्या का साधन दिख रहा है, और जिसको मछली खाना है या बेचना है उसको तालाब मछली का कारखाना लग रहा है, जिसको बोटिंग करना है, जिसको सुकून चाहिए है, वो तालाब के पानी को देखकर सुकून का अनुभव करता है। पानी वही है, रहने वाले जीव वही है, नजरिया कितना बदल गया। वही कन्या जिसको आप मां कहते हो, आपके पिताजी पत्नी कह देते हैं, जो बहन है आपकी वो किसी की पत्नी हो जाती, नजरिया कितना बदल गया है। तो अपन नजरिए को सुधारें, जीवन में उपस्थित होने वाले सारी परिस्थितियां, सारा समय, सारा क्षण अच्छे नजरिए के साथ बिताएं। दो भाई, सगे भाई, परस्पर में एक दूसरे के बिना जो खाना ना खाते हो, एक बूंद पानी का गले में ना घुटकते हो, धीरे से छोटी सी खटास हो गई, थोड़ी सी खटास हो गई दोनों भाइयों में। और खटास क्या हो गई, एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। नौकर ने धीरे से 100-100 रुपये निकालना प्रारंभ किया दुकान के गल्ले से, 100-100 रुपये। छोटे भाई को लगा कि बड़े भाई निकाल रहे, बड़े भाई को लगा कि छोटे भाई निकाल रहे, निकाल कौन रहा था। अगर नजरिया अच्छा होता तो बात कर लेते, जिनका नजरिया अच्छा नहीं होता वो पीठ पीछे बात करते हैं, जिनका नजरिया अच्छा होता है वो सामने बात करते हैं। इसलिए नजरिया अच्छा होना चाहिए आपको, अगर कभी भी कोई बात भी रखना हो सामने बैठ के बात रखना चाहिए। पीठ पीछे बोला है आपका नजरिया अच्छा नहीं है, सामने बोलने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, भले ही उसको कम लोग चाहते हैं लेकिन वो झूठा नहीं होता। एक दृष्टांत बताता हूं आपको मैं, एक चिड़िया ने वृक्ष से बोला कि मुझे घर बनाने के लिए जगह दे दो, बरसात का मौसम आ गया है। वृक्ष ने बोला आगे बढ़ो, कहानी लंबी बहुत शॉर्ट करता हूं। दूसरे वृक्ष पर जाके चिड़िया बैठ गई और उसने निवेदन किया, वृक्ष ने उसको अनुमति दे दी कि हाँ तुम रुक सकती हो। थोड़े दिन बाद तूफान आया, आंधी आई, जिस वृक्ष ने मना किया था वो गिर गया। सबने कहा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, किसी को आश्रय नहीं दोगे तो तुम्हारा भी स्थान नहीं बचेगा। धीरे से चिड़िया ने पूछा वृक्ष से, अब कैसा लगा। वृक्ष कहता है, नजरिया सुधारो, मेरी जड़ें बहुत कमजोर थी, कहीं तुम और तुम्हारा परिवार नष्ट ना हो जाए, इसलिए मैंने कहा था आगे बढ़ो। अगर उस वृक्ष के जैसे नजरिया, एटीट्यूड, व्यू आप सबका हो जाए, फिर क्या कहना, संसार में कोई एक ऐसा नहीं बचेगा, अप्रमित सागर, कोई भी नहीं बचेगा ऐसा जो स्वर्गों जैसे सुख ना पा सके। कह रहे हैं कि आपको अपना नजरिया खुद ही सुधारना है, आपको अपना नजरिया खुद ही सुधारना है, क्योंकि दुनिया में नजर का इलाज तो है मगर नजरिए का कोई इलाज नहीं है। ऐसी कोई आज तक मशीन नहीं बनी जिसके लेंस लगा दिए जाए जिसे नजरिया अच्छा हो जाए। पंडित जी, आज तक दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो व्यक्ति के नजरिए को बदले। व्यक्ति के नजरिए को बदलने की ताकत उस व्यक्ति में ही है, दूसरे में नहीं है। बदलो नजरिया, बदलो। वो जो भोजनशाला में देखो, पीछे भोजनशाला है, देखो ना भोजनशाला है पीछे, अभी चालू नहीं हुई। उस भोजनशाला में जलेबी रखी हो तो सबसे पहले वहीं व्यक्ति घूमता है ऐसा, क्यों, रोटी से पेट नहीं भरता क्या? क्या रोटी से पेट नहीं भरता? भरता है, लेकिन नजरिया है कि जलेबी खाना है, वो माल है, माल। और मारवाड़ी का जब तक 10 मिठाई ना बने काहे का कार्यक्रम किस बात का। अपना नजरिया बदले, कोई हमको नंगा देखता है, कोई हमको गुरु देखता है, कोई मुनि देखता है, कोई मित्र भी देखता है, कोई अपना भाई भी देखता है, कोई ये भी देखता है कि ये हमारे जीवन के लिए आधार है। सब अपने अपने नजरिए से देखते हैं। कोई ये भी देखता होगा कि साधु हैं तो इकट्ठा हो जाएगा, बुला लो। सबका अपना अपना नजरिया है, क्यों ना अपन अपने नजरिए को बदले। नजरिया बदलेगा,
एक दिन ऐसा भी आएगा जब दुनिया आपके नज़रिए से चलेगी। बस अपनी दिशा सही रखना, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है इसके बारे में ना सोचकर आपका नज़रिया कितना अच्छा है उसके बारे में सोचना, क्योंकि नज़र का इलाज तो है दुनिया में, नज़रिए का कोई इलाज नहीं है। ऐसा चिंतन आज करना, ऐसा चिंतन करना कि हमारा नज़रिया कहाँ जा रहा है, शत्रु के प्रति मित्र का भाव आ रहा कि नहीं आ रहा है, मित्र के प्रति मित्र का भाव आ रहा कि नहीं आ रहा है, अपने से बड़े के प्रति ईर्ष्या तो नहीं हो रही। ऐसा चिंतन करना, फिर आपका एक व्यक्तित्व बदलेगा और आपके भी एटीट्यूड का निर्माण होगा, फिर आपके व्यूज भी सही जाएंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रविंद्र जी जैन, बाहुबली भैया।